Senna! रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मती की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु, मृत्यु। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ मरेगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय महेश।
घोर। आंखें नोच खाएं और पेट से आते बाहर आ जाएं, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। वीर पुत्र जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा भल्लाल देव है। जय भल्लाल देव, जय भल्लाल देव। भल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए, उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं
माहिष्मति की सर्व सेना का अधिपति घोषित करती हूँ। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। शिवकामी, ये कैसा निर्णय है? कालकीय का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। जो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहां का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मति का राज मुकुट पहनाया जाएगा, ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली, 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 अमरेंद्र बाहुबली।